देखिए फ्लैश की कैसी काम करता है, जो हम पहली पिछली क्लास में भी देख चुके हैं, फिर भी हम देख लेते हैं। जैसे हमने एक सबसे अच्छा उदाहरण दिया था, संडे मंडे लिख के दिखाया था हमने, ठीक है। हाँ, जिस फॉर्मेट में आप यहाँ देख देंगे उस फॉर्मेट में वो दिखा देता है, और यहाँ से आप क्या लगा दोगे, फ्लैश लगा दोगे, तो इस तरीके से वो काम कर देगा। ओके राइट। अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं डेटा के अंदर जो चलता है रिमूव डुप्लीकेट। कभी कभी क्या होता है, हमें डुप्लीकेट को रिमूव करना होता है, तो आप सिलेक्ट कर लीजिए या डायरेक्ट रिमूव डुप्लीकेट, और यहाँ से बताइए कि कौन सी कॉलम का डुप्लीकेट हटाना है। तो आपने हटाया और ए कर दिया, तो ए के सामने जितने भी डुप्लीकेट एंट्रियां होंगी उनको वो डिलीट कर देगा, राइट। तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि नहीं हुआ, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब वैलिडेशन की बात आती है, वैधता का निर्धारण करना। वैधता का निर्धारण करने के लिए, जैसे मान लो हमने इस कॉलम में सेलेक्ट कर लिया कि एज कहां से कहां तक इनपुट करना है, यहां लिख दिया होल नंबर, क्या लिख दिया, बिटवीन 1 to 18, क्या लिख दिया, और मैसेज भी ले सकते हैं इनपुट एंटर एनी एंटर एज 1 to, या यहां से लिख सकते हैं इंटर एज 1 to 18, राइट। अलर्ट यहां पर बार में दे सकते हो, ट्राई नीचे लिख दिया अगेन, राइट, ट्राई अगेन। ओके, इस तरीके से हम काम कर सकते। देखिए बता रहा है इंटर एज 1 to 18, 1 लिखोगे कोई दिक्कत नहीं, 11 लिख दोगे, 12 लिख दोगे, 18 लिख दोगे, 19 लिखोगे तो बताएगा, ट्राई अगेन, क्या लिखा है, ट्राई अगेन, ठीक है, रिट्राई, कैंसिल कर दोगे तो वापस हट जाएगा। तो ये वैलिडेशन होगा, मतलब इसके अलावा आप कोई भी चीज नहीं इनपुट कर सकते। कैसे हुआ ये संभव, यहां पर आए वैलिडेशन पे आए और यहां से सेटिंग में जाके हमने फुल नंबर कर दिया था, क्या कर दिया था, बिटवीन नॉट इक्वल, मतलब 11 को छोड़कर बाकी सब, मिनिमम 11 से नॉट बिटवीन, सॉरी 11 से हमने लिख दिया 50 के बीच में जो आए उसे नहीं लिखना है, बाकी सबको लिखना है। देखिए अब 11 लिखोगे तो नहीं लिखने देगा, नॉट बिटवीन लिखा है, इनके बीच में जो संख्या आएगी उसे छोड़कर बाकी सबको लिखेगा। जैसे आपने 10 लिख दिया तो लिखने देगा, 11 लिखोगे नहीं लिखने देगा, 50 लिखेगा तो नहीं लिखने देगा, 51 लिखने देगा, तो 11 से लेके 50 के बीच में जो भी संख्या आएगी उसे नहीं लिखने देगा, जो हमने कंडीशन लगाई, ठीक है। ओके राइट क्लिक किया, सिलेक्ट किया, यहाँ पर आए, यहाँ पर डेसिमल भी दे सकते हो, लिस्ट बना लिया, मान लो लिस्ट में हमने लिख दिया फीमेल कामा मेल, राइट, दो चीजें हमने ऐड कर दी। तो यहां पर क्लिक करके देखिए, इसके अलावा और कुछ लिखोगे तो क्या होगा, जैसे थ्योरी लिख दिया, जब तक तुम मेल नहीं लिखोगे तब तक कुछ नहीं होगा, यदि तुमने एफ लगा के आगे बढ़ गए तो रिट्राई। ओके, तो इस तरीके से हम काम कर सकते हैं, बन जाएगा। अब इसी प्रकार से इसमें और भी टेक्स्ट दिया, टेक्स्ट लेंथ टाइम जो भी है, हमने अक्षर दे दिया, कम से कम 5 अक्षर, कितने अक्षर, और मैक्सिमम 10 अक्षर तक ही लिख पाओगे। जैसे आपने आर ओ लिखा नहीं लिखने देगा, आपको आर ओ वाई ए लिखा नहीं लिखने देगा, कम से कम 5, कम से कम कितने अक्षर, ज्यादा लिखोगे तो नहीं लिखने देगा, रॉयल कंप्यूटर 10 के बाद वो नहीं लिखने देगा, राइट, कर पाओगे। तो इस तरीके से हम काम कर सकते हैं, तो ये वैलिडेशन में कोई दिक्कत। अब हटाना है तो यहां से जाके वापस इसी पे क्लिक कर दो और एनी वैल्यू कर दो, क्या कर दोगे, एनी वैल्यू, तो ये वैलिडेशन खत्म हो गया, आप कभी भी कुछ भी भर सकते हो, प्रॉब्लम। फिर नेक्स्ट हमने डेटा को यहाँ कंसोलिडेट, क्या लिखा है, कंसोलिडेट। कभी कभी इस प्रकार से भी सीधा एक शॉर्टकट में देते रहे उदाहरण, जैसे मान लो कभी कभी आपको डेट बाय डेटा अरेंज करते हो, अब उसको यह हमने ऐसा लिख ले, 10 लिखा, 20 लिखा, 30 लिखा, इनका योग यहां भी लगा सकते हो, सीधा लगा सकते हो, सिग्मा 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 r2 सम, ये लगा दिया। ओके,
यहाँ पर भी आ गया, लेकिन हम चाहते हैं कि दूसरी सीट में इसका वैल्यू डेट चेंज आ जाए, डेटा आ जाए, तो यहाँ पर दूसरी सीट पे, पहली सीट पे, थर्ड सीट पे हमने लिखा है और फोर्थ सीट पे पहुँच गए। ये एक सीट में एक ही कंसोलिडेट लगता है, ऐड करना है, क्या करना है, इस पे क्लिक करके इस पे जाओगे या सीधा इस पे क्लिक कर दोगे और ऐड कर दोगे, क्या कर दोगे, ऐड ऐड ऐड, ओके ओके। तो इस तरीके से आप डेटा को क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। कैसे किया, यहां पर आए, आ गया। अब क्या होगा, जैसे आपने 20 चीज कर दिया, यस 100 कर दिया, 22 कर दिया, 300 कर दिया, तो यहां वैल्यू चेंज हो गई, लेकिन 60 हट गया, यहां से 60 नहीं हटा, देखो तब तक नहीं हटेगा जब तक आप उसे रिप्लेस नहीं करेंगे, तो वहां की वैल्यू यहां पर एंड होती जा रही, वहां से आपने भरा और यहां डाटा इकट्ठा कर लिया। तो इस तरीके से डेटा जब भी बनाना हो, यहां से हम भरेंगे, यहां से पूरा इकट्ठा होकर जाके डाटा वहां स्टोर हो जाए, एक बार क्लिक करेंगे पूरा डेटा वहां कंसोलिडेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अब इसी से हम औसत भी निकाल सकते हैं इन्हीं वैल्यूओं से, सीधा कुछ नहीं, यहां से फॉर्मूला बस चेंज करना है, कुछ नहीं करना है, हो गया ना, यहां से काउंट कर सकते हो यहीं से। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा, तो इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। ठीक है, क्या किया, यहां से ओके सम ओके। ठीक है, कैसे किया, मान लो इसका योग लगाना है तो आपको नई सीट पे जाना पड़ेगा, फिर यहां पर आओगे, फिर यहां से यहां क्लिक करोगे, फिर चार नंबर सीट पर, फिर ऐड, फिर ऐड, फिर ऐड, हैं सब हो जाएगा ना, ऐड पहले ऐड करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ऐड, इतनी सेल का डेटा ऐड कर लिया, अब जहां पर भी कर्सर होगा वहां पर सब जो फंक्शन लगा है वो काम करेगा। ओके, अब यहां पर कुछ दिए गए सिनेरियोस, जैसे सिनेरियोस क्या होता है, जैसे हमने मान लो नो न्यू कर दिया और मान लो यहां पर कोई वैल्यू लिखी, इस वैल्यू पर क्लिक किया, क्या किया, क्लिक किया और वापस हम डेटा पे पहुंचे और यहां से सिनेरियो ऐड ड्रॉ, क्या ओके आ गया, समरी देखना तो आ गया, समरी देखने के लिए कि किसका डाटा किसके नाम पे चढ़ाया गया, जैसे 2000 है, 2000 नाम चढ़ाना किसी का, तो यहाँ पर सुने रही उसके किस प्रकार से व्यू देखना है, यहाँ से डिलीट कर दिया, यहाँ से ऐड कर दिया, यहाँ पर उसका नाम लिख दिया, अब क्या क्रिएट बाय जिस सारी चीजें डिटेल यहाँ लिख दो, ओके समरी देखना तो बता देगा किसका कितना क्या है, इसका जरूरी नहीं है लेकिन दिया तो पढ़ना पड़ेगा। ओके, फिर इसके बाद आता है गोल सी, क्या लिखा है, जैसे कभी कभी तुमने देखा होगा गोल सी में, जैसे यही पर 10 लिखा, 20 लिखा, 30 लिखा, 40 लिखा, अब आपने योग लगाया, क्या लगाया, कितना योग आ गया, 100 आ गया, हम 200 चाहते हैं, क्या चाहते हैं योग, गोल सी 200, तो 10 में कितना और जोड़ दे, 200 यहां लिखा, अब यहां पर क्लिक करना वाई चेंजिंग सेल, ये लिखा है यहां पर, जहां फार्मूला लिखा उस सेल का नाम, यहां कितना चाहिए उतना, और कहां पर चाहिए, कहां बदलना चाहिए उसका, और इस पर क्लिक कर, आगे तो इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। कैसे किया, डायरेक्ट तीन सौ कितना और जोड़ दें कि यहां 300 मिल जाए। ठीक है, जैसे कभी कभी होता है ना, जी टोटल परसेंटेज निकालिए, तो मैं क्या निकालिए,
भाग दे गए चार। अब हम कितना और जोड़ दें, 30 में के 80% हो जाए, यही हो गई ना कहानी कि हम इधर 80% चाहते हैं और 30 में कितना और जोड़ दें कि यहां यदि उधर 50 कर दिए जाए तो 80% आपका बन जाए, बन जाएगा। इसके बाद ध्यान से, 1000 रुपये आप कमाते हैं, कितना कमाते हैं मान लो 50% खर्च कर देते हैं, तो A1 का कितना 50 भागे 100, क्या किया यहां पर, 1000 रुपये आप महीना के कमाते हो, खर्च कितना कर लेते हो, या लिख लो जाना हो तो सैलरी एक्सपेंसेस, ठीक है मंथ। तो यहां पर हमने क्या किया, बराबर 1000 लगाया, बराबर करके इसका कितना परसेंट, 50 भागे 100 बराबर इसमें गुणा, सॉरी हाँ सैलरी में से कुछ नहीं, सीधा 12 महीना हुए ना, सीधा क्या लग दिया 12 महीना, क्या किया फार्मूला तो हम लगाएंगे, तो 1000 रुपये कमाते हैं हम, उसका 50% खर्च कर देते हैं, तो 12 महीने का हम काम करते हैं। तो यहाँ हम चाहते हैं कि हमारी बचत कितनी हुई साल भर, तो बराबर क्या करोगे ब्रैकेट में कैसा, 1000 में से कितना घटा दोगे, खर्च जितना किया वो गुणा कितने का कर दोगे, तो जी बचत आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, 6000 बचत आ गई, क्लियर फॉर्मूला, B-B1-B2 × B3 इंटर। अब इसको सिलेक्ट किया, क्या किया, अब हम कहां जाएंगे गोल सीख पे, कहां पर, और गोल सीख नहीं है टेबल वाला, हाँ टेबल, टेबल पे जैसे क्लिक किया तो यहां इनपुट रो कर दोगे, मान लो इस पे क्लिक कर दिया तो जैसा लिखोगे वैसे ही आएगा, यदि 5000 लिखा 5000, 6000 लिखा तो 6000, लेकिन हम चाहते हैं हमें तो वार्षिक आय की गणना करना है कि कितनी हुई हमारी बचत, तो यहां से आपको जाना है डेटा टेबल पर, तो कॉलम पे क्लिक करना है, कॉलम चेंज इनपुट सेल, और 1000 पर क्लिक कर देना है, यहां कर्सर रखा 1000 पर क्लिक किया ओके। यदि आप 5000 रुपये महीना कमाते हैं तो 12×25 60 रुपये, 60000 रुपये आपके साल भर की हुई, 30000 खर्च कर दिए तो कितना बचा, यदि 2000 रुपये कमाते हो तो 12×24 कितना 24, तो कितना बचा, यदि 3000 कमाते हो, ठीक है आ गया ना, तो निकल के आ रही कि नहीं आ रही, और मान लो 1000 कमा रहा है आप, आ गया ना मतलब फॉर्मूला सही है, कैसे किया, यहां पर 1000 लिखा बराबर लगाया, मान लो हम 70% खर्च करते हैं, कितना 70, सैलरी जितनी कमा दे उसका 70% हम, तो 12 महीने के हिसाब से क्या करोगे गुणा कर दो कितने का, अरे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, पहले इसे मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर माइनस में तो आएंगे, आ गया। अब दोनों कॉलम को सिलेक्ट करो, तो कहां चले जा, तो कहां पर क्लिक, कॉलम इनपुट और 1000 पर, तो ये कैलकुलेशन हो गए, निकलता आ रहा है। अब मान लो गलती से तुमने यहां डिलीट कर दिया या कोई भी डाटा भर दिया, तो बंद ना, तो एक्सेल बंद होगा ना कुछ होगा, तो उसके लिए फिर क्या करना है,
स्कैप क्या करना है, या जैसा वैल्यू लिखा था वो लिखो आप, नहीं तो स्कैप कर दो। ओके जी, क्लियर बन जाएगा। अब ग्रुप आता, जैसे इनको एक ग्रुप बनाना है तो ग्रुप बना दो, लो बन गया, बना ग्रुप नहीं बना, पांच सेल का एक ग्रुप, अनुग्रुप करना है तो ऐसे ही एक्सेल एस का कॉलम का ग्रुप बनाना है, बन गया देखो, अनुग्रुप कर दोगे तो कोई दिक्कत। अब हम बात करते हैं सब टोटल की, जैसे लिखा नाम आइटम सेल्स राम कंप्यूटर 5000 श्याम प्रिंटर 4000, इस तरीके से हमने डेटा लिखा। ठीक है, अब क्या होगा, यहां से हमने सॉर्ट कर दिया, क्या कर दिया, नेम के आधार पर राम राम अलग श्याम श्याम। हम चाहते हैं कंप्यूटर का युग कितना है, तो यहां से आप आइटम पे क्लिक कर दो, तो जहां पर भी आप युग चाहते हैं बता दिया उसने, कंप्यूटर टोटल 96000 प्रिंटर 84000 दोनों का मिला के 180000। आया समझ में कि नहीं आया, नहीं आया होगा, ये सिलेक्ट किया सब टोटल पे गए, हमें नेम के आधार पे करना है तो नेम, ठीक है ओके। राम का टोटल 96000 और उसका टोटल, तो इस तरीके से हम काम कर लोगे ना, कोई दिक्कत पक्का। तो यहां पर ये कहानी खत्म हो जाती है।